हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं इस बार बताने जा रहा हूँ कि अच्छे गिल्ड में कैसे लेते हैं ये गिल्ड रैंक 4 रैंक 5 प्लेयर्स। बेसिकली आई एम ए रैंक 4 अनदर गिल्ड, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नए गिल्ड जैसे 10 बिलियन का गिल्ड बहुत मुश्किल से मिलता है हमें, और 20 बिलियन 30 बिलियन ऐसे गिल्ड में लेना हमें बहुत मुश्किल होता है। तो 30 बिलियन बहुत ज़्यादा होता है। मैंने भी एक बार अप्लाई किया, मैंने मेल किया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया कि आपके पास T4 नहीं है, वो नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ प्लेयर्स होते हैं, जैसे कुछ गिल्ड होते हैं जैसे 10 बिलियन के आसपास की गिल्ड इवेंट जो इवेंट अच्छे करते हैं उन प्लेयर को ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने भी तो इस गिल्ड में करीबन एक हफ्ते हुआ है अभी, और अभी इस टाइम गिल्ड फेस्ट चल रहा था। मैंने गिल्ड फेस्ट के लिए मैंने इनको बोला मैं गिल्ड फेस्ट करूँगा अच्छे से और स्कोर करूँगा, टॉप 10 में या टॉप 5 में आऊँगा, कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई, ऐसा बोल दिया था। जिसकी वजह से उन्होंने मेरे को अप्लाई कर लिया, बोला कि अच्छे से, और लीडर इनका लीडर भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। उन्होंने अच्छे गिल्ड में लेने के लिए बेसिकली वही इवेंट अच्छा करना चाहिए, और इवेंट अच्छा करना चाहिए। और मैंने इवेंट अच्छा किया तो मेरे को टॉप थर्ड आया, तो उन्होंने मेरे को जो प्राइस था टॉप थर्ड में 2 मिलियन रिसोर्सेज यानी कोई सा भी, और जेम्स 10K जेम्स आइटम, कोई आइटम चेंज कर सकते हैं 10K जेम्स में, कोई सा भी आइटम दे सकते हैं। तो मैंने 200 मिलियन मैंने गोल्ड मांगा, तो उन्होंने मैंने सोचा कि शायद मुझे मिल जाए 200 जेम, अगर बैग में मिल जाता तो और बेटर रहता, लेकिन बैग में नहीं दे रहे, मतलब जेम्स पर एक्सपेंसिव। सो गोल्ड 200 मिलियन गोल्ड मिल रहा है ओपनली, और मैंने 10K जेम्स से शील्ड मांग ली बाय मिस्टेक, उन्होंने मेरे को स्पीड अप दे दिया था, स्पीड अप दे दिया 7 स्पीड अप एंड 5 शील्ड मांगा, अगेन मैंने शील्ड मांगा था, उन्होंने स्पीड अप दे दिया, उनकी मिस्टेक की वजह से हो गया मेरे गलती। बट उन्होंने प्राइस अच्छा मिलता है, अच्छा गिल्ड फेस करोगे तो प्राइस भी अच्छा मिलेगा। तो मैं मेरी माइट वैसे कम है, लेकिन गिल्ड फेस अच्छा करता हूँ, इवेंट अच्छा है, नॉर्मली इवेंट अच्छे होते हैं एडवांस कॉन्टलेट में। तो सो देख लियो आई वर टॉप 4, लेकिन बट मैं टॉप 3rd हूँ बेसिक उनके हिसाब से, क्योंकि रैंक 4 प्राइस ओरिजिनल रैंक 4 के लिए नहीं है ये प्राइस। तो जो फर्स्ट आया वो रैंक 4 था, और जो सेकंड है वो रैंक 3 है एंड 3rd भी। सो लेडी नॉल इज टॉप 1st एंड आई एम टॉप 3rd। सो अच्छे गिल्ड में लोगे तो अच्छा गिफ्ट मिलेगा, और मेरे को गोल्ड दिए जा रहे हैं 2 मिलियन गोल्ड। देखो गाइस 3, 6, 9, 12, 15, 18 ऐसे जेम्स मिल जाएंगे मेरे को, जेम्स में मिल मेरे को जेम्स के बाद जेम्स तो नहीं मिला, लेकिन चाहता था जेम्स ही मिल जाते हैं, लेकिन जेम्स के साथ एक्स्ट्रा मेरे को स्पीड अप मिल गया और शील्ड मिल गई, काफ़ी है इतना, और क्या चाहिए। देखो गिफ्ट भी अच्छे मिलते हैं इसमें, इस गिफ्ट में देखो बेसिकली सब P2P है, और कुछ लेवल 1 मॉन्स्टर हंट करते हैं, एंड देख लो मेल अनकॉमन रेयर अनकॉमन जेम्स और वाइट बोनस, स्पीड अप भी अच्छे हैं, ग्रीन बोनस, देखो शील्ड भी मिल गए, एपिक गॉन्टलेट, एपिक सब एक 1K जेम्स मिल गया, सबसे ज़्यादा ब्लू बोनस ग्रीन बोनस वाइट बोनस मिलते हैं इस गिल्ड में। और मेरे को अभी दे रहे हैं, धीरे धीरे देंगे 200 मिलियन तक मिल जाए, और अच्छा गिल्ड वही अगेन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे गिल्ड के लिए इवेंट आपको अच्छा करना होगा। मैंने चाइनीज गिल्ड थोड़ा अलग होते हैं, वो रूल्स के पक्के होते हैं, तो उनका तो अलग बात है, ये गिल्ड शायद अलग अलग कंट्री के हैं प्लेयर्स हैं यहाँ।
सो बाय बाय। कैसे ज्वाइन होना है आप जानते हो, और अच्छे से करना, अच्छे से इवेंट करोगे तो इवेंट से वो ज्वाइन करेंगे। आप पहले लीडर से बात करो, क्या मैं ज्वाइन हो सकता हूँ। तो इवेंट कुछ प्लेयर तो जो इवेंट नहीं करते, तो उन्हें किक कर देते हैं ये। तो बेसिक करना चाहिए ना, जब वो फ्री का गिफ्ट लेकर करेंगे क्या, जब करेंगे ही नहीं तो उन्हें गिफ्ट नहीं लगनी चाहिए। अब देखो, मैंने गिफ्ट मैंने किया, मैंने टॉप थर्ड आया, तो गिफ्ट के साथ मेरे को जो गिलफेस्ट का गिफ्ट था वो अलग से मिला, और रिसोर्सेज मिल रहे हैं, जेम्स जेम्स के बदले मेरे को वो मिल गया, सील और स्पीड अप। बस इवेंट अच्छा करो, गिल्ड अच्छा ग्रो होगा। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।